So welcome to the third lecture of our economics. So first of all, welcome to our YouTube channel. My name is Aman Gupta. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से. देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 2018 में इस टॉपिक से, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से. देखो क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया उस तरह की इकोनॉमी जिसमें पब्लिक सेक्टर मतलब कि लोग एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक मतलब कि कौन होगी, गवर्नमेंट. पब्लिक के बिहाफ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. इस तरह की इकोनॉमी को जब पार्ट लेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर्स मिलके इकोनॉमी को चला रहे होंगे, तो इस तरह की इकोनॉमी को क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी. ये टर्म दी किसने थी, जेएम कीन्स ने. और ये मोस्टली काम किसके अंडर करती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर ही काम करती है. तो एक बार फिर से देख लो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है. मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया जिसमें पब्लिक या कह सकते हो या गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम कर रही है. गवर्नमेंट पब्लिक के बिहाफ पे ही काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है. गवर्नमेंट और प्राइवेट जब पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमी में, उस तरह की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी. अब डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या दिख रहा है हमें, कुछ फीचर्स होते हैं कि जैसे हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं. लोअर पर कैपिटा इनकम होती है. कितनी इनकम है लोगों की, इनकम ऑफ दैट स्टेट. एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपको, जनरल एग्जांपल बता रहा हूं. वैसे होती पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी अपॉन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. बट मैं क्या कह रहा हूँ, इनकम कितनी है उधर के लोगों की और नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं. अब देखो क्या होगा, जितनी इनकम होगी उससे कम ही पर कैपिटा इनकम होगी. क्यों, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो तो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी तो कंसिडर कर रहा हूँ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर पर्सन कितनी इनकम है. तो मैं तो उसमें कंसिडर क्या, बच्चों को भी कर रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको भी कर रहा हूँ, तो सबको कंसिडर कर रहा हूँ. तो कह सकता हूँ कि इनकम जितनी होगी उससे कम ही होगी क्या पर कैपिटा इनकम. देखो किस तरह से अब कुछ फीचर्स हैं जिससे अगर पर कैपिटा इनकम अच्छा होता हमारा, तो हम किस कंट्रीज में आते, डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी में आते. बट हम किस में, डेवलपिंग इकोनॉमी में है. मतलब अभी हम डेवलप कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि एक रीजन क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम कम है. अकोपेशनल पैटर्न इज प्राइमरी सेक्टर, मतलब हम मोस्टली डिपेंडेंट किस पे हैं, प्राइमरी सेक्टर. कल मैंने बताया था जो डायरेक्टली हम किससे ले रहे हैं, नेचर से. हमारा मोस्टली सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर में. और मैंने कहा था सबसे ज्यादा इनकम जनरेशन कौन से सेक्टर से होती है. देखो अगर कल का लेक्चर नहीं देखा आपने तो पहले वो लेक्चर देखना, फिर ये लेक्चर देखना, क्योंकि उसी लेक्चर से लिंक है. उसमें कल हमने बात की थी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है. जब हम प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा इनकम जनरेशन उसी में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में. तो क्या कह रहा है कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है ये मोस्टली किस पे बेस होती है, प्राइमरी सेक्टर पे बेस है. मतलब ज्यादा हम किस पे फोकस करते हैं, प्राइमरी सेक्टर पे, जिसमें इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती. बट सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि इनकम बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डेवलप्ड इकोनॉमी वालों कंट्रीज की होती है. अब थर्ड क्या है कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो किसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो गरीबी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी. पॉवर्टी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से, अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग उन लोगों पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी. तो पॉपुलेशन प्रेशर भी होते हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया. अब क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन, अब कोई भी कंट्री है वो कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि पैसा. अब क्या होता है कि जो पैसा होता है उसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल. अब क्या कर रहा है कि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है मार्केट में, देखें कैसे आता है मार्केट में पैसा, कैसे हम बाहर से पैसा लाते हैं, वो सारा देखेंगे हम. अभी के लिए इतना समझो जो मार्केट में पैसा आ रहा है वो स्टेडिली इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है. ऐसा नहीं है कि एक ही दम लॉन्ग जंप ले. लो कैपिटल पर हेड, हर एक इंसान के पास क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा है. ऐसा नहीं है कि कुछ
अब कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा, उनको अगर छोड़ दें, बाकियों के पास क्या लिमिटेड पैसा है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, एसेट्स की या वेल्थ की। अब कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा पैसा, कुछ लोगों का बहुत ही कम पैसा है। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी की कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं, नहीं तो हम भी किस में होते, डेवलप्ड इकोनॉमी में होते अगर हमारा हाई पर कैपिटा इनकम होता। हर हाई पर कैपिटा इनकम कैसे हो सकता है, यहाँ तो इनकम तो देखो ठीक है हमारी, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पीपल्स को जितने ज्यादा होंगे उतना पर कैपिटा इनकम कम होगा, जितना इसको कम करूंगा ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जाएगा। जितने लोग कम होंगे तो कह सकते हैं पॉपुलेशन प्रेशर भी है, उस वजह से भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी का रीज़न ये है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी में क्यों नहीं आते हैं, और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्यों, एक पॉपुलेशन प्रेशर भी रहता है। तो यही कुछ रीजंस है जिस वजह से हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। और जिनकी कंट्रीज़ का अच्छा पर कैपिटा इनकम हो, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा हो, कम ये हो, पॉपुलेशन प्रेशर हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो वो कौन से कंट्रीज में आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। यही डिफरेंस होता है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज होगी कि हम अभी काम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को सुधारने में, बट वो काम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर एग्रीगन इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम अपना फोकस किस में रखते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, इस और उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, मान लो मैं फार्मर हूँ, मैं उससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, फिर खरीद रहा हूँ, इस तरह से क्या इकोनॉमी जनरेशन हो रही है। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर से इकोनॉमी जनरेट कर रहा हूँ, इस तरह की इकोनॉमी को क्या कहता हूँ, एग्रीगन इकोनॉमी। यही चीज़ लिखी होगी। एन एग्रीगन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी डैट रिलाइज प्राइमली ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन। It is a form of economy whose major factor of production in the agricultural land. तो मैंने क्या कहा कि major factor क्या होगा कि कितनी production हो रही है agricultural land में, ज़्यादा production अच्छी economy चलेगी, कम production तो कम economy में भी, economy भी थोड़ा agrarian economy अच्छा काम नहीं करेगी। देखो national income बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लो national income में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल ईयर प्लस फैक्ट्री इनकम प्लस सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इन तीनों को मिला के क्या बनती है, मेरी नेशनल इनकम बनती है। फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया कि कब से कब तक होता है, ये होता है मेरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो भी दिन आते हैं इनको कंसिडर करता हूं मैं क्या अपना फाइनेंशियल ईयर, जो बजट होता है वो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। मान लो अगर फरवरी में अभी जैसे कि 1 फरवरी को क्या आया, बजट आया, तो वो मतलब काम करना कब से स्टार्ट करेगा, 1 अप्रैल 2022 से काम करना स्टार्ट करेगा, कब तक, 31 मार्च 2023 तक। तो ये मतलब होता है क्या, ये क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 से 2023, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये पॉइंट याद रखना, फैक्टरी इनकम, फैक्टर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं फैक्टरी इनकम क्या होता है। देखो फैक्टरी इनकम क्या होता है, एक है प्रोडक्शन यूनिट, एक है नॉर्मल लोग, नॉर्मल रेसिडेंट। देखो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक चाहिए क्या, कैपिटल, पैसा, जो कौन देते हैं, बैंक देते हैं पैसा किनको, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज इसके बदले इनको क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बैंकों की क्या इनकम है। और क्या चीज देते हैं, लेबर, लेबर जॉब्स। अब जो लोग प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं,
और इन्हीं सर्विसेज के बदले में इनको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से समझना। अगर फैक्टरी इनकम समझ आएगी तो ही आपको नेशनल इनकम समझ आएगी, नेशनल इनकम समझ आएगी तो ही आपको डोमेस्टिक इनकम समझ आएगी, और डोमेस्टिक इनकम समझ आएगी तो हम निकाल देंगे जीडीपी जीएनपी कैसे निकालते हैं, वो सारे अब इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ थर्ड क्या है, बैंकों से पैसा भी आ गया, लेबर भी आ गई, जॉब्स भी आ गई, सब कुछ कंसीडर कर लिए, कैपिटल आ गया, कैपिटल के बदले मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, लेबर के बदले मेरे को क्या मिल रही है, वेजेस, लैंड आ गई, लैंड के बदले मेरे को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा या एक ही बार बेच दूंगा तो पैसा मिलेगा। और फोर्थ क्या आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नॉर्मल इंसान है अब, और इधर से क्या आ रहा है, उसको प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो क्या है कि इसको याद कैसे रख सकते हो आप, ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, सेल से याद रख सकते हो, सी से कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योरशिप, एल से लैंड, एल से लेबर। अब देखो याद कैसे रखना है आपने, अब देखो होगा क्या, अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी लोग हैं, एक लोग आ गए इसमें, सारे अंबानीज वगैरह सारे लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो, एक आ गया प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, अब ये क्या दे रहे हैं बड़े लोग, यहां तो बड़े लोग पैसा देंगे किसी प्रोडक्शन यूनिट में पैसा डालेंगे, यहां तो क्या होगा बैंक्स पैसा देंगे, जब पैसा देंगे तो उसके बदले इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तो क्या करेंगे, अपनी लेबर देंगे, मतलब कि जो आप क्या कर रहे हो एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के बदले आपको क्या मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी। अब थर्ड क्या दे रहे हो, लैंड दे रहे हो इनको, या दे रहे हो या बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बदले आपको मान लो रेंट मिल रहा है। और थर्ड क्या दे रहे हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहे हो, उसके बदले आप क्या कमाओगे, प्रॉफिट। जैसे अंबानी है वो क्या एक एंटरप्रेन्योर है, क्यों, क्योंकि वो अपनी क्या दे रहा है, बिजनेस स्किल्स दे रहा है कि इस तरह से काम करना है मेरे को। जब वो इस तरह से काम करने का सोच रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपना दिमाग से क्या स्किल्स हैं वो इसकी, किस तरीके से काम करने, इस जगह पैसे इन्वेस्ट करने, क्या उसकी स्किल्स हैं। अब इन्हीं स्किल्स से उसको क्या चीज जनरेशन हो रही है, प्रॉफिट की जनरेशन हो रही है। अब ये चारों क्या आ जाएगी, फैक्टर। अब ये क्या आ गई, फैक्टर, सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज से क्या जनरेशन हो रही है, फैक्टर इनकम की। तो यहां से आ गया आपका क्या, फैक्टर इनकम आ गया, आपका क्या आ गया कंसेप्ट, फैक्टर इनकम का कंसेप्ट आ जाता है। यही होता है क्या, फैक्टर इनकम, जो क्या करते हैं, जो फैक्टर सर्विसेज दे के हम इनकम जनरेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। तो ये पॉइंट भी हो गया मेरा, फैक्टर इनकम भी समझ लिया, फाइनेंशियल ईयर भी समझ लिया। अब सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, देखो इकोनॉमिक्स में सिटीजन ऑफ दैट कंट्री की डेफिनेशन अलग होती है, ये पॉलिटी वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है यहां पे, इकोनॉमिक्स में अलग है। अगर एक साल या एक साल से ज्यादा वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, डोमिनोज है, डोमिनोज आज तो नहीं आया, 5-10 साल पहले आया, एक साल या एक साल से पहले, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा है, क्या वो कैपिटल जनरेशन, क्या पैसा ले रहा है मार्केट से, बैंकों से, और उसके बदले इंटरेस्ट दे रहा है, हाँ। क्या वो जॉब्स दे रहा है लोगों को, हाँ जॉब्स, उनकी लेबर ले रहा है और उनको क्या दे रहा है, वेजेस दे रहा है। लैंड ले रहा है लोगों की, उनको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। तो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, भले ही वहां वो जिसने डोमिनोज खोला है वो इंडिया का है या नहीं है मैटर नहीं करता, बट वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, और एक साल या एक साल से ज्यादा रह रहा है। अब मान लो इंडिया की कोई कंपनी है बाहर जाके सेटअप हो जाती है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, एक्स नाम से कंपनी है कोई, मैं यूएसए में जाके इस कंपनी को सेटअप कर देता हूँ और 5 साल से इंडिया में ही नहीं आया, अब 2-3 महीने इंडिया में घूमने को आता हूँ, भले इंडिया में पैदा हुआ हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं एक्स कंपनी खोल ली, इंडिया में मैं पैदा हुआ, मैं बाहर चला गया, बाहर मैंने
पढ़ा वगैरह सब इंडिया में की और बाहर चला गया कंपनी बिजनेस करने के लिए। वहां मैंने एक्स नाम से एक कंपनी खोल दी। जब एक्स नाम से एक कंपनी खोल दी तो मैं पार्टिसिपेट इंडिया की ना ही एक साल या एक साल से ज्यादा रह रहा हूँ, ना ही यहाँ की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं सिटीजन ऑफ दैट कंट्री में हुआ ही नहीं। जब सिटीजन ऑफ दैट कंट्री नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली मैं नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होऊंगा। तो इसी को कहते हो क्या आप नेशनल इनकम? यहां तो मैं क्या कह दूं, अगर मैंने एक्स कंपनी सेटअप कर दी बाहर जाके और बाहर ही रह रहा हूं, बट इंडिया में आता हूं 6 महीने घूमने के लिए, तो क्या मैं नेशनल इनकम का पार्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा? ऑटोमेटिकली होऊंगा, क्योंकि जब मैं इंडिया में आऊंगा कुछ क्या कर रहा हूं, घूमने आऊंगा तो कुछ खर्चा भी होगा, कोई होटल लूंगा, होटल में क्या किराया दे रहा हूँ, लैंड ले रहा हूँ उनसे और रेंट दे रहा हूँ, कुछ सर्विसेज भी लूंगा, कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करूंगा उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ, उसके बदले उनको क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ उनके लिए, उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ और उनको इनकम जनरेशन करके दे रहा हूँ, तो मैं भी क्या हो गया उनका सिटीजन ऑफ दैट कंट्री हो जाऊंगा। अब वैसे टूरिस्ट हैं, ठीक है, ये सारे के क्या होते हैं नेशनल इनकम के पार्ट हो जाते हैं। क्या क्या बोला मैंने नेशनल इनकम में? फाइनेंशियल ईयर, ये कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, प्लस फैक्टर इनकम कैसे जनरेशन होती है? जब मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज दूंगा किसमें, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, तो क्या मेरी जनरेट होगी फैक्टर इनकम? और क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सिटीजन ऑफ दैट कंट्री के लिए क्या कंडीशन है? यहाँ तो एक साल या एक साल से ज्यादा रह रहा हो और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हो उस कंट्री की, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन आ गई? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मेरी क्या, तो मैं किस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ? नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो अगर एग्जाम्पल लेके चलें, डोमिनोज क्या है, बाहर की कंपनी है बट क्या कर रही है, इंडिया में आके एक साल या एक साल से ज़्यादा काम किया, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रही है, क्यों, कैसे? फैक्टर सर्विसेज ले रही है लोगों से, लोगों को क्या ले रही है, लेबर ले रही है और उसके बदले उनको वेजेस दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो क्या किस में पार्टिसिपेट कर रही है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। तो ये कंडीशन तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री तो होंगे, ये भी होंगे फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, फैक्टर इनकम का पार्ट भी है, तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएंगे, भले ही वो पैदा इंडिया में हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हम पॉलिटी के हिसाब से जाएं तो पॉलिटी में क्या है कि पैदा इंडिया में ही होना चाहिए, बट इकोनॉमिक्स में सिटीजन ऑफ दैट कंट्री की डेफिनेशन अलग हो जाती है, ठीक है। तो आज यही रखेंगे, कल हम क्या टॉपिक देखेंगे, कल का जो टॉपिक है वो हमारा इस पे रहेगा कि ठीक है कि फैक्ट ये जो पैसा यहाँ पे मूव कर रहा है, मान लो ये तो 100 रुपये ही डाला मैंने, अब 100 से 200 करना है, अब यही 100 यहाँ आ रहा है फिर यहीं जा रहा है, 100 इसी साइकिल में 100 ही तो घूम रहा है, अब इसी 100 से 200 करना है, वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए कैसे करूँगा, क्या चीज़ें होती हैं, वो कल देखेंगे कल की क्लास में। सो आज की क्लास हम इधर ही रखेंगे, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और अपने फ्रेंड से शेयर करो।